लेकिन अब ये इनका ड्रामा, ये ईद से दो तीन दिन पहले, आज 27वीं का ड्रामा है, इनका ड्रामा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी किसी न किसी बंदे को, किसी न ठेकेदार को देना है, देकर उससे अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करनी है। अब यहाँ पे बेनजीर पार्क पे खड़े हैं, जिसको इनको आबाद करना चाहिए, मगर आबाद होने के बजाय इसको ये लोग जो है वीरान कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड कह रहा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, अर्बन प्लानिंग वाले कहते मेरा ही। सर अगर ये पार्क बंद हो गया ना, तो इंशाल्लाह बड़ी बात से तोबा है, हम लोग रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसके गेटों के हम लोग अपना ताला भी लगा सकते हैं। दो हजार दस से स्टिल आज तक कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक रुपया खर्च नहीं किया है अरुण इस पार्क पर। उन्होंने एक लेटर हमें भिजवाया कि इस पार्क को आप लोग खाली करें। हमने कहा कि हम किस तरीके से खाली करें। मेरा नाम नादिर मक्सी है, मैं बेनजीर भुट्टो फैमिली पार्क का इंचार्ज हूँ अर्बन प्लानिंग की तरफ से। ऐसा है कि हमारा ये जो पार्क जिस पर आप खड़े हैं बेनजीर भुट्टो फैमिली पार्क, 2010 में एक एमपीए थे इस्माइल गुजर साहब, उनके पीएचडीपी से बना 2010 में, इन द रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 7 करोड़ रुपये खर्च हुए और यहाँ पर डिप्यूट हुए अर्बन प्लानिंग की तरफ से पार्क के एम्प्लॉयज 35 से अबव। अच्छा, पार्क एम्प्लॉयज थे वो भी डिप्यूट है, सारा देखभाल अर्बन प्लानिंग कर रहा है, उसके बावजूद 2010 से स्टिल आज तक कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक रुपया खर्च नहीं किया है अरुण इस पार्क पर। अच्छा, हम लोगों ने जो भी किया है, कभी किस ठेकेदार से लेकर, कभी किस ठेकेदार से लेकर, जो भी ठेकेदार आते रहे उनसे लेकर कभी हम लोगों ने इस पर काम किया है। अब जो मसला ये हुआ है, इन्होंने एक लेटर हमें भिजवाया कि इस पार्क को आप लोग खाली करें। हमने कहा कि हम किस तरीके से खाली करें, आप उसको भी एक वाजे करें। आप सेक्रेटरी साहब ने आप लेटर लिख दिया सेक्रेटरी साहब को, वो ऑफिशियल तरीके से जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पैसे हैं। वो पैसे उठाकर आप हम लोग किसी को तो दे तो नहीं सकते, ये एक कन्वर्सेशन होगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ये आप हमें ऑर्डर करेंगे, अपना डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा कि भाई आप छोड़ दें इसको, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो नहीं है कि आप एक तीन चार बंदे एक बिल्डिंग सुपरवाइजर को कहकर आप बोलते हैं कि भाई इस पार्क को बंद करें, हम आप चले जाएं। हम कैसे जाएंगे? ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड को कहा है कि यहाँ की बिजली नहीं। बिल्कुल, ये लेटर हमारे पास, ये हमारे पास लेटर मौजूद है कि हमने इससे पहले कई बार, आप देख भी सकते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है यहाँ पर, बिजली बंद है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी, बारिश हुई और ग्रीनरी वापस बहाल हो। नहीं, उनकी जिम्मेदारी क्यों? अगर ये उनकी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि जितनी भी रेवेन्यू कटी हो रही है 2010 से स्टिल अभी तक एक रुपया अर्बन प्लानिंग को नहीं दिया। अच्छा, सारी जो भी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अकाउंट में जमा हो रही है। अच्छा, तो उसमें हमारे एग्रीमेंट में ये तय है कि 25% जो है अर्बन प्लानिंग का है, 25% कैंटोनमेंट बोर्ड का है, 30% जो होगा वो फ्यूचर इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए पार्क की मेंटेनेंस में खर्च किया जाएगा। सही, तो हम ये चाह रहे हैं, ना आप हमें दे रहे हैं ना पार्क पर खर्च कर रहे हैं। दूसरा, आप ये एक तफरी मकाम है, हम ये साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि तफरी मकाम है, हम खुद नहीं चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि ये पार्क आबाद हो। अब यहाँ पे बेनजीर पार्क पे खड़े हैं, वह यहाँ पे हम पहले जो है सुबह के टाइम आते थे, योगा करते थे और सीओ साहब से अपने जो है परमिशन लेके रोजों की वजह से, तो 5 बजे का भी टाइम था, तो बदकिस्मती से अभी इसी रोजों में हमें जो है 3-4 दफा जो है इन्होंने यहाँ से जो है योगा करने से रोका है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग जो है अपने पार्कों को आबाद कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोयटे में और बलूचिस्तान में हमारे जितने पार्क हैं इनको वीरान किया जा रहा है। कभी जो है कंटोनमेंट बोर्ड का धमकी दिया जाता है, कभी अर्बन कम्युनिटी का धमकी दिया जाता है और किसी को भी यहाँ पे छोड़ते नहीं है। अभी बदकिस्मती यही है कि इतनी बड़ी पार्क है जो कोयटा का सिर्फ एक ही पार्क है, जिसको इनको आबाद करना चाहिए, मगर आबाद होने के बजाय इसको ये लोग जो है वीरान कर रहे हैं।
तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तकरीबन 14 अगस्त 2022 से। अच्छा। अभी इस पार्क एक मसला इशू है कि कंटोनमेंट बोर्ड कह रहा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, अर्बन प्लानिंग वाले कहते हैं मेरा ही प्रॉपर्टी। वो बात तो हो गई जी, जी। अभी आप ये बताएं कि आपको किस हद तक नुकसान पहुंचेगा अगर यहाँ पे ये पार्क बंद हो जाता है। सर अगर ये पार्क अगर बंद हो गया ना तो इंशाल्लाह बड़ी बात है, तो भाई हम लोग रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसके गेटों के हम लोग अपना ताला भी लगा सकते हैं। सर जी आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आते हैं? हम आते हैं यहाँ पर जनाब, हम सीनियर सिटीजन हैं, तकरीबन हम कोई 40-50 लोग हैं यहाँ पर आते हैं डेली। पहले हम सुबह को आते थे, अभी रमजान शरीफ में हम सेकेंड टाइम आते हैं यहाँ पर 5 बजे से 6 बजे। यहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं सर, एक प्लाट में खड़े होकर योगा है, एक्सरसाइज करते हैं। किसी सेहतमंद माशरे में पार्क की अहमियत क्या है? पार्क की अहमियत तो ऐसे जिस तरीके से इंसान के बदन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, इसी तरीके से जो है ना पार्क की हैसियत जो है ना सेहतमंद माशरे में रीढ़ की हड्डी की तरह है। हुकूमत से यही गुजारिश है कि तमाम महकमे हमारे अपने हैं जो कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। ये पार्क किसी इदारे का सही, लेकिन इसे आवाम के लिए बंद ना किया जाए।